के लिए कर रहे हैं तो हम कैलकुलेशन अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए। लेकिन अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है तो आपको सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है, ताकि आपको कैलकुलेशन की भी हैबिट हो जाए। क्योंकि मोस्टली कई बार क्या होता है कि हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें कैलकुलेशन की आदत नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते हम कैलकुलेशन अवॉइड करते हैं कि हाँ ये तो आगे हो ही जाएगा, तो हमारे कई बार एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। मुझसे भी एक दो कैलकुलेशन मिस्टेक इस वाले एग्जाम में हुई थी, जो कि मुझे कंसेप्ट आता था, लेकिन जस्ट कैलकुलेशन की कैलकुलेशन को लाइटली लिया था कि कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, तो इस वजह से। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जिस टाइम पे आप सीखने के लिए कर रहे हो उस टाइम पे ठीक है, आप कैलकुलेशन को साइड रख दो, क्योंकि अगर जिस टाइम पे आप सीख रहे हो अगर उस टाइम पे आप कैलकुलेशन करने लगोगे तो आपका ध्यान उसी कैलकुलेशन में चले जाएगा, आप कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे। लेकिन एक बार अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया, आपको पता चल गया सवाल कैसे बनाना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी ठीक है। आज की क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड उसके बाद हम डीआई के कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। जी सर। ओके ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है अनुपात और समानुपात। समानुपात तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन आपके अनुपात से ही आएंगे। हो सकता है जब आपकी मैथ्स की क्लास भी होगी या फिर आगे मैथ्स की जो क्लासेज होंगी उसमें आपको समानुपात और अनुपात के बारे में पढ़ाया जाए। हमें बस एक से दो फॉर्मूले याद रखने हैं एंड कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है ये हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एग्जाम्पल के थ्रू ही हम इसे समझेंगे एंड मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो रेशियो के ऊपर ही रहेगा। रेशियो हम कहते हैं कि जब हम दो वैल्यूज के बीच में तुलना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास है, वहां पे अगर 18 गर्ल्स हैं एंड 9 बॉयज हैं, इसी क्लास में गर्ल्स का जो नंबर है 18 है और बॉयज का नंबर 9 है, तो अगर हम गर्ल्स और बॉयज के रेशियो को देखेंगे, अगर हम लिखेंगे गर्ल्स रेशियो बॉयज, ये लिखने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी हमने लिखा है गर्ल्स रेशियो बॉयज, कैसे हम इसे निकालते हैं? हम लिखते हैं 18 मींस जो गर्ल्स का नंबर है उसे ऊपर से लिखेंगे, अपॉन में रेशियो में बाद में जो आपकी वैल्यू आ रही है उसको अपॉन में लिखते हैं। तो बॉयज की नंबर 9 है तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। इसको फिर हम आगे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे आपका 1 आ गया, तो आपका ये गर्ल्स रेशियो बॉयज का आंसर आ गया 2:1। इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं, बहुत सिंपल है। जिसका भी आपको रेशियो निकालना है, आपको गर्ल्स रेशियो बॉयज निकालना है, तो आप गर्ल्स के नंबर्स के अपॉन में लिख दीजिए बॉयज का नंबर, उसे सॉल्व कर दीजिए एंड बाद में आपको उसे इस फॉर्म में लिखना है, तो ये आपका गर्ल्स रेशियो बॉयज हो गया। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी इलेक्शन में, इस इलेक्शन में दो पार्टी है ए और दूसरी पार्टी है बी। ए को 100 वोट पड़े एंड बी को 50 वोट पड़े, तो अगर हम ए रेशियो बी करेंगे कि ए को जो वोट पड़े और बी को जो वोट पड़े उनका रेशियो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम उसे? 100/50 100/50 हाँ जी, 100/50, ये भी आपका 2:1 आ गया। आपको जो नेट का एग्जाम है, कई बार जो हमें ग्राफ में दो वैल्यूज दिख रही हैं, कई बार हमें डायरेक्टली ही उसका रेशियो पूछ दिया जाता है, तो
अगर आपको ये रेशियो निकालना भी आता है, जो कि बहुत सिंपल सी चीज है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से आ जाए कि किसी भी दो चीज का हमें रेशियो निकालने को दे दिया, ग्राफ में कोई चीज दी हुई है एंड रेशियो निकालने को दे दिया। तो इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अभी हमने ए रेशियो बी लिखा है तो हमने ए की जो क्वांटिटी है उसको ऊपर से लिखा है, मींस ए की जो वैल्यू है उसको ऊपर से लिखा है और बी की वैल्यू को नीचे लिखा है। लेकिन अगर हम इसको बी रेशियो ए करते हैं तो जो तो बी की वैल्यू है वो ऊपर से आ जाएगी और जो ए की वैल्यू है वो नीचे से आ जाएगी, क्योंकि ए अभी बाद में लिखा हुआ है। तो 50/100 ये आपका 1:2 आ गया। सभी लोगों को क्लियर हो गया, इसमें जी कोई सर। कंफ्यूजन? ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ अब सारे के सारे जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो रेशियो का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हम बात करें, एक बॉक्स है उसमें तीन बॉल्स, तीन तरीके की बॉल्स रखी हुई है, एक है ग्रीन, दूसरी है येलो एंड तीसरी है ब्लैक। तीन तरीके की बॉल्स रखी हुई है। ग्रीन बॉल्स का नंबर है 100, येलो बॉल्स का नंबर है 50 एंड जो आपके ब्लैक बॉल्स हैं उनका नंबर है 20। तो आपको सबसे पहले बताना है ग्रीन रेशियो, येलो रेशियो, ब्लैक। इसके बाद ब्लैक रेशियो, ग्रीन रेशियो, येलो। तो कैसे करेंगे हम इसे? 10:5:2। हाँ जी, आपका पहला आ गया 10:5:2, दूसरा पहला क्वेश्चन ये था, ये आपका दूसरा। हाँ जी, 5:10:2 दूसरा 2:5:2 2:10:5। हाँ, यस टू रेशियो। सर, एक्सक्यूज मी सर, बताइए बताइए ना इसे कैसे कर रहे हैं। हाँ जी, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे बिल्कुल आपको वैसे ही इसे सॉल्व करना है। आपको देखना है कि रेशियो में किस चीज को पहले दिया गया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ग्रीन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम ग्रीन बॉल्स का नंबर रखेंगे, उसके अपॉन में हम करेंगे येलो बॉल्स का नंबर, तो यहाँ पे 50 आ गया। उसके अपॉन में ब्लैक बॉल का नंबर हम रेशियो में लिखा है, तो यहाँ पे हम 20 कर लेंगे। इन तीनों को ही हम इनकी सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे, जितने भी ये कट सकते हैं उतना इन्हें काट लेंगे। तो 10 से अगर तीनों को डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे आ गया 10, 5 और 2। तो ये सिंपलर फॉर्म है, इससे ज्यादा हम इन्हें काट नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 10:5:2। इसमें जो 10 वैल्यू है ये ग्रीन की है, येलो की जो वैल्यू है वो 5 है क्योंकि हमने 50 रखी थी, और जो आपकी ब्लैक है उसकी वैल्यू 2 हो गई ये रेशियो में। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये वाला भी करना है, जस्ट आगे पीछे दे दिए हैं। तो ब्लैक को सबसे ऊपर से रखेंगे क्योंकि ब्लैक सबसे पहले दिया है, तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा। ग्रीन फिर 100 रखेंगे हम, अपॉन में आपका येलो लिखा है, यहाँ पे येलो है लास्ट में, तो येलो सबसे नीचे आएगा 50। तो जिस सीक्वेंस से आपको उस क्वेश्चन में रेशियो दिया है उसी सीक्वेंस से आपने यहाँ पे भी रखना है। इनको हम फिर से सॉल्व कर देंगे, तो ये आ गया 2:10:5, 2:10:5। समझ आया? इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें?
सर कोई और वैल्यू लेके कर सकते हैं क्या? मतलब इसमें अगर 100/50 है तो उसको नहीं करना है क्या? ये सीधा ऐसे ही करना है हर जगह? अगर 0 0 नहीं होता, जैसे हमने अभी तो काट दिया, लेकिन कोई अलग वैल्यू हो तो? फॉर एग्जाम्पल आपकी अलग वैल्यू मैं एक बार लेके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 8 है, ये आपका 12 है, और ये आपका 30 हो गया। तो ग्रीन येलो और ब्लू का रेशियो निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 12 और 30। तो आप लोग देखिए कब तक हम इसे और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी ये जो तीनों की तीन वैल्यूज है इन्हें हम 2 से काट सकते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा। एक मिनट। मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, बैकग्राउंड से आपको ज्यादा आवाज आ रही है क्या? नो सर, नो सर, नो सर, नो, कोई आवाज नहीं आई। एक्चुअली यहाँ बगल में आज यहाँ पे रहता हूँ, वही बगल में शादी है, तो इस वजह से बैकग्राउंड से थोड़ा सा आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया था, 8 ग्रीन बॉल्स का नंबर है, येलो बॉल्स का नंबर 12 है, और जो आपकी ब्लैक बॉल्स है वो 30 है। तो ग्रीन रेशियो येलो रेशियो अगर ब्लैक देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से रखना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। मीन्स किसी भी एक नंबर से तीनों को आपने काटना है। तो अगर आप 2 से तीनों को काटते हो तो 2 4 8 हो गया, 2 6 12 और 15 यहाँ पे 2 से काटने पे आ जाएगा। अब फर्दर हम इन्हें और नहीं काट सकते, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। अब तो आंसर आ गया 4:6। 15 हाँ जी, तो जब तक आप उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो तब तक आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। हो सकता है कि वो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, जैसे अगर कुछ ऐसे नंबर्स होते जिन्हें हम काट नहीं सकते थे तो फिर रेशियो को हम वैसे ही लिख देते। तो ये हमारा रेशियो हो गया, एंड इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं नेट के एग्जाम में। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से आएंगे, लेकिन जो आपके थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आते हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर कहीं पे ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा है और उसकी वैल्यू दी है 10 रेशियो 11 रेशियो 13। फॉर एग्जाम्पल ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आपको 10 रेशियो 11 रेशियो 13 दी है, तो ए की करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है? 10। टेन सर, हाँ जी, बी की करस्पॉन्डिंग 11 एंड लेवन सी की करस्पॉन्डिंग थर्टीन। 13। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ। टफ क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे? टफ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है जिसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। टोटल जो आपके स्टूडेंट्स हैं ये आपके टोटल स्टूडेंट हैं 50, एंड इन स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 2:3। 50 बच्चे आपकी क्लास में हैं जिसमें से कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं और उनका रेशियो है 2:3। तो कैसे हम बॉयज का नंबर निकालेंगे, कैसे हम गर्ल्स का नंबर निकालेंगे? बॉयज हो गए और 30 गर्ल्स हो गई सर। हाँ जी, तो कैसे हम इनको निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? तो अगर सबसे पहले हम बॉयज का नंबर निकालते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ बॉयज, तो
इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, बॉयज के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो की वैल्यू थी, बॉयज के करस्पॉन्डिंग रेशियो की क्या वैल्यू थी? टू सर, टू। दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू लिखते हैं, उसके अपॉन में लिखते हैं हम जो रेशियो का पूरा सम, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, टू और थ्री को ऐड कर देंगे तो फाइव आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, मल्टीप्लाई ओके, कर देंगे टोटल से, तो टोटल कितना है 50। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 1 5, 5 10 50, तो 10 × 2 आपका 20 क्या आ गया, नंबर ऑफ बॉयज आ गया। ठीक है, तो आपके जो टफ क्वेश्चन, सही। अपॉन में 5 क्यों किया? 2 में 2/5 क्यों किया? तो देखिए टू इसलिए ऐड किया, किया, हाँ ऐड जी किया, ऐड। हाँ जी, आपका टू इसलिए किया क्योंकि टू बॉयज के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू टू थी, और फाइव इसलिए किया क्योंकि जितने भी वैल्यूज के हमें रेशियो दिए हुए हैं उन सबको हमने ऐड करना है और अपॉन में लिखना है। तो आप अपनी लैंग्वेज में ये जो फॉर्मूला है इसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज एग्जाम्पल डालिए, और इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप बाद में जब भी इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टोटल आपको दिया हुआ है, उस टोटल के अंदर दो वैल्यूज हैं, जैसे एक टोटल स्टूडेंट 50 है, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे, बॉयज के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो की वैल्यू होगी, तो बॉयज के करस्पॉन्डिंग रेशियो की वैल्यू है 2 प्लस अपॉन में जितने भी रेशियो हैं उनका सम कर लेंगे, उनको जोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स देखते हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट 3/5 × 50। 3/5, सबको क्लियर हुआ क्यों लिखा, क्योंकि गर्ल्स के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो की वैल्यू थी वो थी 3, अपॉन में हमने दोनों का सम किया वो 5 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 50 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30। सबको सर क्लियर हुआ, सर डायरेक्ट भी तो हम कर सकते हैं कि अब बॉयज की वैल्यू अगर 20 आ गई तो गर्ल्स माइनस कर देंगे, तो वो भी तो हो सकता है ना सर। हाँ जी वैसे भी आप कर सकते हो, एक बार आपने निकाल लिया तो आप टोटल में से माइनस कर सकते हो। तो ये अगर सबको क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का लास्ट एग्जाम्पल है। फिर से हम एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग हैं, तो एक क्लास है जिसमें कि 100 बच्चे टोटल हैं, 100 आपके टोटल स्टूडेंट हैं, इसमें से आपके अगर उत्तर प्रदेश से आपके जितने बच्चे हैं उसका रेशियो हम देखेंगे, उत्तराखंड से जितने बच्चे हैं उसको रेशियो में रखेंगे, और यहाँ पे हम आपका पंजाब से जितने बच्चे हैं उनको अगर हम रेशियो में देखेंगे, तो इनका रेशियो है आपका 5:3:2। इसे मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, किसी क्लास में 100 बच्चे हैं 3 स्टेट से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, और उनका रेशियो है उत्तर प्रदेश रेशियो, उत्तराखंड रेशियो, पंजाब है 5:3:2, तो इनकी हम कैसे इनकी संख्या निकालेंगे कि आपको उत्तर प्रदेश से कितना, उत्तराखंड से कितना, पंजाब से कितना है। सर 50:30:20। हाँ 50, अब हम रेशियो नहीं करेंगे क्योंकि अब हम एक्चुअल में उनके नंबर बता रहे हैं, तो 50 बच्चे आपके उत्तर प्रदेश से हो गए, 30 बच्चे उत्तराखंड से और 2 बच्चे पंजाब से, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के बच्चों की अगर हम संख्या निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो रेशियो का करस्पॉन्डेंस था वो था 5, यहाँ पे हम 5 लिख लिए, अपॉन में जितने भी रेशियो है उन सबको जोड़ देंगे, 5 × 3 = 8 तो 10, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से, कल आपका था 100, ये आपका हो गया 10 + 5 = 50, उत्तर प्रदेश के आपके जो बच्चे थे वो थे 50। सिमिलरली आप उत्तराखंड के बच्चे निकाल सकते हो, सिमिलरली आप पंजाब के बच्चे निकाल सकते हो,
तो मैक्सिमम जो टफ टफ से टफ आपका क्वेश्चन आएगा वो इसी पे आएगा, यही जो फॉर्मूला है उसको बहुत घुमा के दे दिया जाएगा, मीन्स लगेगा आपका यही फॉर्मूला, लेकिन हो सकता है वर्डिंग थोड़ी ऐसी कर दी जाए कि थोड़ा समय कॉम्प्लेक्स लगने लगे, लेकिन यही दो आपके फॉर्मूले यूज होंगे जहां पे भी रेशियो और प्रोपोर्शन आएगा। इसके अलावा तीसरी कोई भी चीज आपके आंकड़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें यूज नहीं होगी। तो ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक चीज हमारी परसेंटेज में रह गई थी, वो जैसे ही आगे हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम उस कंसेप्ट को देख लेंगे। इतना सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वही चीजें पढ़ेंगे जो अभी तक हमने पढ़ी, जैसे परसेंटेज, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके अलावा कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। कुछ अगर एक्स्ट्रा आता है तो वो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, वो साथ में आप नोट करके लिख लेंगे। ये एक टेबल दी हुई है, मोस्टली आपके दो से तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो दो से तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपकी इस तरीके की टेबल दी होगी, दूसरा आपका ग्राफ आता है, तीसरा आपका पाई चार्ट आता है, एंड इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों से यूजीसी बस इसी तरह की टेबल दे रहा है, तो इस बार भी आपका 90% लगभग चांसेस है कि आपका इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले टेबल समझनी है। अगर जो डीआई के क्वेश्चन है उनमें सबसे ज्यादा आपको टाइम लगाना है तो वो टेबल समझने में टाइम लगाना है। यहाँ पे ये टेबल बिल्कुल सिंपल दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता है वहां पे थोड़ा सा आपको और घुमा के टेबल दे दी जाए। तो ये जो टेबल है ये है विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की वर्षवार संख्या, मीन्स तीन कॉलेज है हमारे पास, एक कॉलेज है ए, एक कॉलेज है बी, एक कॉलेज है सी। और ए बी सी तीन कॉलेज है, उन तीन कॉलेज में अलग अलग वर्ष में कितने छात्रों ने एडमिशन लिया था उसकी ये टेबल हमें बताई है। फॉर एग्जाम्पल 2014 में ए कॉलेज में 8,000 छात्रों ने एडमिशन लिया, बी कॉलेज में 2014 में 14,000 लोगों ने एडमिशन लिया, और सी कॉलेज में 2014 में 11,000 लोगों ने एडमिशन लिया। तो इस तरीके से ये टेबल है, सबसे पहले तो आपको ये टेबल ही देखनी आनी चाहिए। अगर हम बात करें 2017 की, 2017 में ए कॉलेज में आपके 13,000 बच्चों ने एडमिशन लिया, बी कॉलेज में 27,000 और सी कॉलेज में 23,000। तो सभी लोग टेबल देख लेंगे, टेबल देखने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर थोड़ा जूम करिए ना। ठीक है, तो सारे के सारे लोग आप टेबल देख लोगे। आपको जस्ट क्या करना है, अगर बी कॉलेज का देखना है 2017 का, तो आप जस्ट 2017 में आगे चले जाइए बी वाले कॉलम में, वहां पे आपको 2017 में बी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। तो अब कैसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है, और ये जो आपको दिया हुआ है ये भी आपका यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले, 2016 में कॉलेज बी में प्रवेश लेने वाले और 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों का औसत कितना है। तो क्या निकालना है हमें, औसत निकालना है। तीन वैल्यूज है हमारे पास 2015 में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले। तो सबसे औसत पहले मतलब यहाँ पे औसत औसत मींस एवरेज। एवरेज। हाँ जी, पहली क्लास आप लोग देखोगे तो एवरेज उसमें हमने अच्छे से समझा है। 18,000 सर। कितना? 18,000 ऑप्शन ए। 3,000? आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर, आप रिपीट कीजिए प्लीज। 18,000 सर, आंसर इज ए। ए
ओके 18,000 ठीक है। अभी हम लिखते हैं 2015 में ए में जिन बच्चों ने प्रवेश लिया, तो सबसे पहले हम उनकी संख्या देखेंगे, तो उनकी संख्या कितनी है 2015 में, ए में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया वो है 15,000। यहाँ पे आप लिख लीजिए 15K मीन्स 15,000, आप पूरा 15,000 भी लिख सकते हो, जस्ट मैं 3 जीरो की जगह के मैंने लिख दिया, तो आप इसे पूरा 15,000 भी लिख सकते हो। 2016 में कॉलेज बी में प्रवेश लेने वाले, तो 2016 में कॉलेज बी में 23,000 लोगों ने प्रवेश लिया, हाँ तो ये आपका 23K मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और तीसरी वैल्यू आपकी क्या है, 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले, तो 2019 में कॉलेज सी में फिर से 16,000 लोगों ने प्रवेश लिया, ये आपका 16K हो गया। अपॉन में हम डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, हाँ सर, जी ऊपर जितनी वैल्यूज होंगी, तीन वैल्यूज हैं ऊपर, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो सबसे पहले इनको ऐड कर देंगे हम, ये हो गया आपका 5 और 3 8, 8 और 6 14, 4 सर, और 2 1 3 1 4, 4 और 1 5, तो ये आपका 54 हो गया, 54K/3, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 18,000 आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं डीआई के, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपने थोड़ा से समझ लिया, थोड़ा सा अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो ये एक तरह से बोनस क्वेश्चन होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन होता है हमारा, वैसे ही हमारा डीआई होता है, इसीलिए आपको कॉम्प्रिहेंशन एंड डीआई की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ देंगे तो हमारा टफ सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या फायदा, क्योंकि इसके भी आपके इसके जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको 2 नंबर मिलने हैं, कोई टफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जैसे टीचिंग रिसर्च उसमें भी आपको 2 नंबर मिलने हैं, तो अगर आप इसको छोड़ के जाओगे तो आपको फिर वो टफ सब्जेक्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा, तो सिंपल सब्जेक्ट को आपने कवर करके जाना है। कॉम्प्रिहेंशन में भी यहाँ पे ये बात आई है, कॉम्प्रिहेंशन जो है हमें बहुत इजी लगता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के भी आपको प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन करके जाने हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी यूजीसी वो फोर्थ फिफ्थ क्लास के कॉम्प्रिहेंशन की जैसे नहीं देता कि जस्ट आप देख के आंसर बता लोगे, थोड़ा सा उसमें आपको भी घुमा के दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी वर्षों में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों और 2018 से 19 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों के बीच में अंतर कितना है, अंतर मीन्स डिफरेंस। तो सभी वर्षों में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों, तो सबसे पहले सभी वर्षों में कॉलेज ए में कितने छात्रों ने प्रवेश लिया था, मीन्स ये जो जितनी वैल्यूज हैं इनको हम क्या करेंगे, ऐड ऐड कर ऐड कर लेंगे, तो लेंगे। हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, लेट वो वैल्यू एक्स है। उसके बाद 2018 से 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों, तो 2018 में कॉलेज सी में प्रवेश लिया था 24,000, 2019 में सी में प्रवेश लिया था 16,000 छात्रों ने, इनको ऐड कर देंगे, लेट वो वैल्यू आपकी वाई है, तो एक्स माइनस वाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, लाइक बस जो ये सी वाला है उसके लिए सिर्फ हमें 2 ईयर्स का निकालना है, 18 का और 19 का, हाँ और जी इसके लिए ए सर वाले के लिए दिया सभी का ऐड करके निकालना है। आंसर, हाँ ए वालों के लिए सभी वर्षों में लिखा है, तो आपको सबको ऐड करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है आपको। इसका आंसर होगा 17,000, 17,000, सर 620, 1700, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये ए वाला बोल रही 62,000 डीआईसी ओके ठीक है। थ्री टू तो अभी मैं इसे थाउजेंड सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है आप इसे सॉल्व कर लेना एंड अब एक दूसरे से आंसर मैच कर लेना, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगला है कॉलेज ए में 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि हम कैसे निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि के लिए अभी हमारे पास टाइम है, हाँ जी प्रतिशत वृद्धि हम,
इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर कि इंग्लिश में क्वेश्चन करें तो वहां पे लिखना होगा परसेंटेज, कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, प्रतिशत आपका परसेंटेज और वृद्धि इंक्रीज। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा परसेंटेज इंक्रीज करके लिखा होगा। कैसे हम इसको निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है। पहले मैं लिख देता हूं परसेंटेज वृद्धि। परसेंटेज वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जिन दो चीजों को हमने जिन दो चीजों को कंपेयर किया गया है, जैसे यहाँ पे किसको कंपेयर किया गया है, कॉलेज ए में 2016 में प्रवेश लेने वाले, और एक किसको कंपेयर किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी एक वैल्यू हमारे पास है कॉलेज ए में 2016 में जिन्होंने प्रवेश लिया, और एक वैल्यू हमारे पास है कॉलेज ए में 2015 में जिन्होंने प्रवेश लिया, क्योंकि पिछले वर्ष से तुलना की गई है। और समझ आ रहा है? जी जी सर। हाँ जी, तो जो दो वैल्यूज हमारे पास दी होती हैं, सबसे पहले हम उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं दो वैल्यूज हमारे पास दी है ए एंड बी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे ए माइनस बी, या फिर अगर बी बड़ा है तो बी माइनस ए कर लेंगे, ठीक है। अपॉन में हम लिखते हैं जिससे कंपेयर किया जा रहा है, इन दो वैल्यूज में एक को कंपेयर किया जा रहा होगा और दूसरी से कंपेयर किया जा रहा होगा। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज ए में प्रवेश लेने, सॉरी, आपके 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में, तो किससे तुलना कर रहे हैं हम, 2015 वाले से, पिछले वर्ष से तुलना कर रहे हैं ना, तो 2015 वाले से यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। तो जिस भी वैल्यू से हम तुलना करते हैं, आगे आप जो भी सवाल देखोगे उसमें जिस भी वैल्यू से आप तुलना करते हो, जिस भी वैल्यू से कंपेयर करते हो, उसको अपॉन में लिखते हैं। तो लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं बी से यहाँ पे कंपेयर किया गया है ए को, तो बी को अपॉन में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इस क्वेश्चन 13 आता है सर। हाँ जी, 13 है क्या आंसर? 13 है। एक बार इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। पीवी क्या है? पीवी प्रीवियस वैल्यू आई थी, परसेंटेज वृद्धि, वृद्धि परसेंटेज इंक्रीज ब्लॉक, तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक है कॉलेज ए में 2016 में प्रवेश लेने वालों की संख्या, तो 2016 में कॉलेज ए में 17,000 लोगों ने प्रवेश लिया था, पिछले वर्ष में 15,000 लोगों ने, तो ये आपका 2015 का वर्ष हो गया और ये आपका 2016 का वर्ष हो गया। ये दो वैल्यूज हमारे पास है, जो करना है हमें इन्हीं दो वैल्यूज से करना है। तो सबसे पहले हम बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, यानी कि आपने 17 में से 15 को माइनस कर दिया। इसके पीछे से 1,000 लिखा है, तो अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। आपने बड़ी में से छोटी को माइनस कर दिया। अब मैंने आपको बताया था अपॉन में लिखते हैं हम वो वैल्यू जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 2015 से, 2015 में जो संख्या होगी वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपके आपका आगे 2/15 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसे हम 200/15 भी कर सकते हैं। 200/15 लगभग लगभग आपका 13% हो गया, आंसर आपका 13 हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे एक तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन के, इससे टफ नहीं आते हैं, इससे टफ को फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस जो लैंग्वेज है वो टफ होती जाएगी। आपको लैंग्वेज समझनी है, फॉर्मूले आपके यही लगेंगे। तो ये क्लियर हुआ सभी लोगों को? सर ये लास्ट में बताना सर कैसे किया है, कहां पे से, यहां पे से सर, बिल्कुल लास्ट में यहां पे से, ये तो कैलकुलेशन की है। ठीक है, एक मिनट।
ये आपका था 17 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100, ये 2 अपॉन 15 आ गया इंटू 100, तो ये फिर 200 अपॉन 15 आ जाएगा, तो 200 अपॉन 15 लगभग लगभग आपका 13 के आसपास वो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 15 6 90 होता है ना, तो 15 12 से थोड़ा ज्यादा ज्यादा आपका 200 के आसपास वो कट जाएगा, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 13 फिर आंसर आ जाएगा, अगर आप इसी तरीके से भी सॉल्व करते हो ओके 13 आंसर सर, आपका आ जाएगा। वहां पर अगर 15 इसमें क्यों नहीं प्रतिशत है? वृद्धि पूछ रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, और यदि वो इससे अधिक पूछते हैं तो फिर भी हम संख्या को माइनस करके ही प्रतिशत निकालेंगे। हाँ देखिए, अगर प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है या फिर प्रतिशत कमी पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत कमी हुई कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो फॉर्मूला यही लगेगा। जस्ट आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है जब भी प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, और नॉर्मल वृद्धि पूछ रहा है तो आप जस्ट इसे माइनस कर दीजिए, आपका जो अंतर आएगा वही वृद्धि आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि नहीं लिखा रहता, जस्ट वृद्धि लिखा रहता कि 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, तो हम प्रतिशत में जाते ही नहीं, फिर हम सीधे ही 2016 में जितने बच्चे थे इसमें से इसको माइनस कर देते, तो 2000 हमारा आंसर आ जाता। तो सर वो नॉर्मल अधिक वृद्धि, वाला पूछते हैं ना सर, जैसे वृद्धि तो आप हमने माइनस करी वही आंसर होगा, प्रतिशत में हम फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, लेकिन वो पूछते कि ये जो है वो इससे कितना अधिक है, तो ऐसे में हम ये वाला जो हमने फॉर्मूला लगाया इसी से निकालते। अच्छा आप ये कह रहे हो 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में प्रवेश लेने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है, इस तरीके के क्वेश्चन बोल रहे हो आप? यस 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 सर, इस तरीके के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे याद दिला दिया। सभी लोगों को समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछना चाह रही है? नहीं मतलब सर सर, ओवरऑल जितना भी है सारे का कितना, वो सिर्फ एक नंबर जो है वो कितना परसेंट है उस ओवरऑल डेटा का? कितना परसेंट है? आप ऐसे मान सकते हो कि 2016 में जिन बच्चों ने प्रवेश लिया वो पिछले वर्ष की तुलना में प्रवेश लेने वाले बच्चों के कितना प्रतिशत है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा आता है। अब यहाँ पे वृद्धि की बात नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है जिसको कंपेयर किया जा रहा है, मतलब दोनों वैल्यूज में से जिसको कंपेयर हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसको कंपेयर किया जा रहा है, 2016 में जो बच्चे हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है ना, तो 2016 में जो बच्चे हैं उनको लिख लेंगे हम जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जिससे तुलना की जा रही होगी, तो 2015 के बच्चों से तुलना की जा रही है, तो 2015 में 15 आपके बच्चे थे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2016 के जो बच्चे हैं वो 2015 के बच्चों का कितना प्रतिशत है, वो इस तरीके से सॉल्व होगा। समझ आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। हाँ जी। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कितना प्रतिशत यहाँ पे, मैं 1 मिनट जस्ट इसी क्वेश्चन को मैं लगभग उस फॉर्म में कर देता हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। दूसरे तरीके के आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिखा होता है जिसमें लिखा होगा कि 2016 में प्रवेश लेने वालों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में संख्या दो हजार सोलह में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दो वैल्यूज हमेशा दी होंगी, एक वैल्यू क्या है 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्र, और दूसरी वैल्यू है पिछले वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र, ठीक है? इतना समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा दो वैल्यूज होती हैं,
क्या मतलब सर 2016 के कंपैरिजन में 2015 से कितना परसेंटेज इंक्रीज है? नहीं, यहाँ पे इंक्रीज की बात नहीं की गई है, यहाँ पे जस्ट है कि 2016 में जितने छात्रों ने एडमिशन लिया वो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत हैं, मतलब पिछले वर्ष से वो कितने प्रतिशत ओके हैं। सर, ओके ओके सर, यहाँ पे हम इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं कर रहे, इस बार हम उनको सीधे ही कंपेयर कर रहे हैं। यस सर, वो अधिक में पूछते हैं, जैसे कि या संख्या में पूछ लें कितने परसेंट संख्या अधिक है या प्रतिशत हाँ कितना अधिक है, ऐसा। हाँ जी, अगर वो अधिक में पूछते तो हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है जो हमने थोड़ी देर पहले किया, लेकिन अब यहाँ पे सीधे ही उनका उनका कंपैरिजन किया जा रहा है कि 2016 में जो बच्चे आए वो पिछले वर्ष की तुलना का कितना प्रतिशत है। तो कैसे हम निकालेंगे, इस लैंग्वेज को भी आप समझ सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है जिन लोगों को, वो डायरेक्ट इस लैंग्वेज को भी समझ सकते हो। इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा कि कितने प्रतिशत आगे आपका है लग जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, दो वैल्यूज हमारे पास हैं। 2015-16 की है ना सर? हाँ, तो यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास हैं, ऊपर हम उस वैल्यू को रखेंगे जिसको आपका कंपेयर किया जा रहा है। एक मिनट, तो उस वाले फॉर्मूला में हमने कंपैरिजन वाले को नहीं नीचे रखा था, यहाँ पर कंपैरिजन वाले को ऊपर रखेंगे। आपका कंपैरिजन वाले जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं ना वो हमेशा नीचे ही आएगा, लेकिन वहां पे हमने डिफरेंस रखा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। सर यानी हाँ 2016 वाली को ऊपर है, 2015 वाली को नीचे रखेंगे। जी, क्योंकि हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, 2015 वाली 2015 वाले को, नहीं सॉरी, कंपेयर कर रहे हैं हम 2016 वाले को जिससे कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जिसको हमने आधार माना हुआ है कंपैरिजन का, वो तो हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपको ये लैंग्वेज बस समझ में आ गई तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे, बाकी आप बुक में देखोगे तो आपको फॉर्मूले एक्स वाई की फॉर्म में लिखे हुए मिलेंगे, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर आपको ये लैंग्वेज समझ आ गई कि हम जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको ऊपर रखना है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं यानी कि जो हमारा आधार है, तुलना का जो आधार है उसको नीचे रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, 2015 2000 नहीं 2016 को कंपेयर कर रहे हैं, को पिछले वर्ष की तुलना में। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ना कि पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि पिछले वर्ष से कंपैरिजन किया जा रहा है। ऊपर में 2016 की वैल्यू आ जाएगी और नीचे में 2015 की वैल्यू आ जाएगी, इनटू हम 100 कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। तो सर, ठीक है, कंपेयर दो अगर आप हजार बोल रहे हैं कि कंपेयरिंग नंबर जो है वो 2016 वाला है, तो हाँ सर फिर आपने तो बोला कि कंपेयरिंग नंबर हमेशा नीचे आता है, क्योंकि जो परसेंटेज इंक्रीज वाला फॉर्मूला था उसमें तो आपने जो परसेंटेज इंक्रीज में किया था हमने, उसमें आपने जो कंपेयरिंग नंबर था जो कि 2015 था उसे आपने नीचे लिखवाया था। हाँ और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि किस नंबर को कंपेयर कर रहे हैं और किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं एक सिंपल सा सेंटेंस आपको बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सर आप एक बार उस वाले एग्जांपल में ही बता दीजिए, जो परसेंटेज इंक्रीज हमने किया था उसमें हम किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, हाँ, कंपेयरिंग उसमें नंबर। भी हम पिछले वर्ष की तुलना में कर रहे थे ना, तो इसीलिए हमने 15 रख दिया था, उसमें भी तो हमने अपॉन में 15 ही रखा था ना, लेकिन क्योंकि उसमें परसेंटेज इंक्रीज आ रहा था इसीलिए हमने ऊपर उन दोनों के बीच का अंतर रख दिया था और मल्टीप्लाई कर दिया था 100 से। तो वहां पे भी हमने अपॉन में 15 ही रखा था क्योंकि ओके सर, 15 से ही कंपेयर कर रहे हैं। अब इसे ही हम एक सिंपल एग्जांपल में लेते हैं। अगर एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, राम की तुलना में श्याम की हाइट कितनी है, इसमें आप समझ पा रहे हो राम और श्याम किसको कंपेयर किया जा रहा है, किससे और किससे कंपेयर किया जा रहा है। राम को शाम से। राम की तुलना में श्याम की हाइट कितनी है, तो राम की तुलना में कंपैरिजन का आधार क्या है,
राम राम को कंपेयर राम किया जा रहा है और किसको कंपेयर को किया जा रहा है, शाम को किया जा रहा है। तो सभी लोगों को क्लियर हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन में आपने देखना है। बेसिकली जिसकी तुलना लिखा होगा आप ये भी याद रख सकते हो, वो आपका आधार है और उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं और वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी और जिसको कंपेयर किया जा रहा है वो ऊपर आएगा। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं। तो दो फॉर्मूले आपके हो गए, एक है प्रतिशत वृद्धि और दूसरे क्वेश्चन हो गए जिसमें डायरेक्ट है लगभग कितने प्रतिशत था। अब अगला क्वेश्चन हमारा यही आने वाला है, एक बार हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। ये लाइन सभी लोगों को क्लियर हो गई? जी सर। जी सर। सर न्यूमरेटर में अपन माइनस करके ही करेंगे ना उसको। हाँ, न्यूमिनेटर में तो जो बड़ी वैल्यू होगी दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है उनको माइनस कर देंगे अगर प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी की बात आ रही है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट कंपैरिजन वाले हैं तो न्यूमिनेटर में हम जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको लिखेंगे। दो तरह के क्वेश्चन आपके हो गए, एक बार मैं खुद को खुद से भी आपको एग्जाम्पल बता के क्वेश्चन। सर कमी कमी पूछेगा, इफ कमी पूछेगा तो भी माइनस करके करेंगे। हाँ, तो भी जो बड़ी वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे क्योंकि चाहे वृद्धि हो रही है चाहे कमी हो रही है लेकिन दो में अंतर तो आ रहा है ना। अब इसको हम अच्छा इसको ऐसा बोल सकते हैं, मतलब जैसे उसमें वृद्धि हो रही है, 13% की वृद्धि हो रही है, तो जस्ट उल्टा जैसे बोला जाए तो वो पिछले साल की तुलना में 13% कमी है, हाँ, तो मतलब। पिछले साल की तुलना में 13% कमी हो गई और उसमें वृद्धि हो गई। तो एक और हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो आपके दो स्टूडेंट हैं, एक है ए, ए के एग्जाम में लगभग 30 मार्क्स आते हैं और बी जो है बी के आपके 50 मार्क्स आते हैं। अब क्वेश्चन दो तरह से आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा ए की तुलना में बी के मार्क्स कितने प्रतिशत हैं। एक तो क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा कि ए की तुलना में बी के मार्क्स कितने प्रतिशत हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा बी मार्क्स ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा है। अभी कम भी हो सकता है, दो भी आपका आ जाए ज्यादा या कम। तो दो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बोल रहा है कि ए की तुलना में बी के मार्क्स कितने प्रतिशत हैं और दूसरा बोल रहा है बी के मार्क्स ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा हैं। तो दोनों ही कंडीशन में तुलना किससे की जा रही है, ए से तुलना की जा रही है। यहाँ पे भी ए से तुलना की जा रही है तो कंपेयर किससे किया जा रहा है दोनों क्वेश्चन में, बी से ए से आपका कंपेयर किया जा रहा है। किसको कंपेयर किया जा रहा है, बी को कंपेयर किया जा रहा है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो इसको सॉल्व भी कर दीजिए कैसे। हाँ जी, जी सॉल्व सर। करेंगे अभी, लेकिन ये आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है क्योंकि इसमें लैंग्वेज में ही दिक्कत होती है। तो अगर आपको लैंग्वेज समझ आ रही है तो फिर हम सर आगे। दोनों का आंसर सेम आएगा। नहीं, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, दोनों में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। उसी इसी को बताने के लिए मैंने आपको सेम सेम क्वेश्चन दिया। पहला है ए की तुलना में बी के मार्क्स तो कितने प्रतिशत हैं, तो मैंने आपको बताया था जिसमें डायरेक्टली कितने प्रतिशत लिखा होगा उसमें हम पहले वो वैल्यूज लिखते हैं जिसको कंपेयर किया जा रहा है। तो किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, बी को कंपेयर कर रहे हैं, तो बी आपका ऊपर आ जाएगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ए की तुलना में, ए से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ए आपका नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आपका था कि ए की तुलना में बी के मार्क्स कितने प्रतिशत हैं। दूसरे क्वेश्चन में
एक अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको भी हम पहले के जैसे ही लिख देते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि ए की तुलना में बी के मार्क्स कितने प्रतिशत हैं। दूसरा क्वेश्चन था ए की तुलना में बी के मार्क्स कितने प्रतिशत ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा शब्द आ गया, या फिर ज्यादा आ रहा है, या फिर वृद्धि आ रहा है, या फिर कमी आ रहा है, तब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, दोनों के बीच के अंतर को निकाल लेंगे। दोनों के बीच कितना अंतर है, 20 मार्क्स बीस है। 20 अपॉन में जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा अपॉन में ही आएगा, दोनों ही सवालों में। तो कंपेयर इसमें भी ए से कर रहे हैं ना हम, जी अपॉन में 30 आ जाएगा इंटू 100। हंड्रेड तो ये आपका हो गया पहले वाले का आंसर और ये आपका हो गया दूसरे वाले का आंसर। अब क्लियर हुआ सब लोगों को? जी ओके, अगर अभी भी आपको डाउट है तो एक तो बार ये, इससे ऊपर वाले में तो मतलब परसेंटेज का कुछ है। हाँ ऊपर वाले में जस्ट प्रतिशत है, नीचे वाले में प्रतिशत ज्यादा या प्रतिशत कम है। तो इस तरह के दो सवाल आते हैं। कोई और डाउट है आपका इससे रिलेटेड? अगर थोड़ा भी आपको इसमें और कंफ्यूजन लग रहा है तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देखोगे, एंड आने वाले 2 दिन या फिर 3 दिन हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। लेकिन उससे पहले आज आपने ये जो वीडियो है इसे थोड़ा देखना है ताकि और आपको क्लियर हो जाए। फिर अगर इससे रिलेटेड और आपको कोई डाउट रहता है तो कल की क्लास में पहले हम ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे, तो फिर और सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके हाँ जी, कोई और डाउट आज की क्लास में और जो भी हमने पढ़ा? सर, थैंक यू।